मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? पैसे नहीं, कुछ नहीं, जा रही हूँ। वैसे चाहिए क्या? तो पैसे? नहीं, पैसे तो है मेरे पास। फिर क्या हुआ, जाओ। हाँ मुझे कुछ कहना है आपसे। बताओ, नहीं, छोड़ो, मैं चलती हूँ। क्या हो गया? मम्मी पापा ने कुछ बोला क्या तुमसे? तो नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। फिर क्या हुआ बताओ। समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। अरे तुम्हारा पति हो ना, तुम कुछ ही बता सकती हो मुझे। अरे तुम्हें तो पता है, जब शादी से पहले मुझे जॉब मिली थी तो मैं अपनी फैमिली से अलग रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ना हर चीज अकेले ही पसंद है। मेरे को कोई फाउंडेशन नहीं चाहिए। मैं अपनी मर्जी से लाइफ जीना चाहती हूँ, कि मेरा जहाँ मन जाए मैं वहाँ जाऊँ, जो मन करे वो खाऊं, मुझे कोई रोके टोके ना। मैं अपनी फ्रीडम लाइफ चाहती हूँ। तो यहाँ पे कौन तुम्हारी फ्रीडम रोक रहा है? जो मन आ रहा है वो करो, क्या दिक्कत है? अरे हाँ, लेकिन मैं अपना खुद का घर चाहती हूँ, जो सिर्फ तुम्हारा और मेरा हो, जहाँ पे सिर्फ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। ये भी तो हमारा ही घर है, इसमें कौन सा कोई बाहर से आके रह रहा है? तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये घर तो मम्मी पापा का है, मैं अपना खुद का घर चाहती हूँ। यार लेने को तो खुद का घर ले लें, लेकिन फिर इस उम्र में मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? उनके सिवा हमारा कोई नहीं है, हम ही तो उनके सहारा हैं यार। ठीक है, तो फिर तुम सोच लो, तुम्हें मम्मी पापा चाहिए कि मैं? क्योंकि मैं अगर तुम्हें छोड़ के गई ना, उसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई। मैं ठीक है, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, टाइम तो दोगी ना? हाँ, तुम टाइम ले लो। ठीक है, तुम मार्केट जा रही हो तो एक काम करना, केले ले आना, केले खत्म हो गए हैं। ठीक है, और ज्यादा ना महंगे मत लेके आना, बहुत तरीके के केले हैं, जो वैसे होते हैं ना, एक जुट्टे में केले होते हैं और एक बिखरे पड़े होते हैं, तो जुट्टे वाले महंगे होते हैं, बिखरे वाले ले आना। ठीक है, ज्यादा सोचना मत, जैसे मिले ना वैसे उठा लो। तुम भी ना यहाँ भी कंजूसी दिखाओ। अच्छा सुनो, हाँ मैं केले ले आई हूँ, अगर तुम्हें खाने हो ना तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। अच्छा, क्या क्या रेट मिले केले? 120 रुपए दर्जन। 120 रुपये दर्जन? इतने महंगे? नहीं, 120 रुपए दर्जन तो वो थे जो एक साथ थे गुच्छे में। मैं तो वो लेके आई हूँ जो खुले पड़े थे, वो सस्ते पड़ गए। वो क्या रेट मिले? 40 रुपए दर्जन। अब आप इतने रेट क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी आप बहुत कंजूसी दिखाते हो। नहीं, बात कंजूसी की नहीं है पूजा, देखा जाए तो इन केलों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक दो लाइन में खत्म हो जाएगी, बट अगर आप देखोगे तब आपको पता लगेगा। केलों से क्या सीखना, मैं कुछ समझी नहीं। बात यह है कि हमारी लाइफ भी तो इन केलों की तरह है, केले यानी हम लोग, और जुट्टा केलों का गुच्छा यानी हमारी फैमिली। जब तक केले एक साथ थे अपनी फैमिली के साथ जैसे हम लोग हैं, तब उनकी कीमत 120 रुपये दर्जन थी, और जैसे ही फैमिली का साथ छूटा, वो इधर उधर बिखरे, उनकी कीमत 40 रुपये दर्जन हो गई। ऐसे ही तो हम लोग हैं, जब तक हम फैमिली के साथ रहते हैं हमारी रिस्पेक्ट रहती है, हमारी कीमत रहती है। बेशक उस समय आपको थोड़ी सी स्वतंत्रता, आज़ादी, इंडिपेंडेंस ना मिल पाए, बट जब फैमिली का साथ नहीं होता हमारे ऊपर, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं बचती।